मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, क्या हाल चाल हैं जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? वैसे तो हम अपना बहुत सा ख्याल रखते हैं और हम बहुत समझदार भी बनते हैं। चार लोग मोहल्ले में से या दफ्तर में से या खानदान में से आ जाए मशवरा लेने के लिए, तो ऐसे मुफ्त मशवरे देने में हमें कमाल हासिल है कि दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। एक दिन में कम अज कम 1100 मशवरे मैं अकेला मुख्तलिफ 1100 अफराद को मुख्तलिफ मौजूआत पे देने की पूरी अहलियत रखता हूँ। ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये हर पाकिस्तान का शेवा भी है और हमारी ये काबिलियत भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मशवरे जो हम दूसरों को देते हैं, क्या इनमें से किसी एक पे भी कभी खुद अमल करने की कोशिश की? यहां 1100 में से शायद एक नंबर भी लेना मुश्किल है। अब मसला ये है कि हम जब दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं ना, तो उस काम को दूसरे के लिए करना बहुत सहल समझ रहे होते हैं, और वही अमल अगर खुद करना पड़ जाए तो हम सोचते हैं कि अच्छा हो जाएगा। होती, याद रखिए, कोई चीज नहीं है, हर चीज, हर काम करना पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है। होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है। ये अप्रोच अगर हम लेकर चलें तो इसको जिंदगी के छोटे 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 मुख्तलिफ मराहिल पे, मुख्तलिफ दिन के लम्हात पे हम इसको लागू कर सकते हैं, और यकीन कीजिए जिंदगियां तक अपनी भी और दूसरों की भी बचा सकते हैं। फलसफा बहुत गहरा हो गया। इसको आसान लफ्जों में यूं बयान करते हैं कि अगर आप मुझे मशवरा देना चाहें कि मैं चलिए लाहौर का एरिया ले लेते हैं, लाहौर और सेंट्रल पंजाब, जहां फॉग का और स्मॉग का बहुत ज़्यादा मसला शुरू हो चुका है और फरवरी के इख्तिताम तक और मार्च के आगाज़ तक चलेगा, और फॉग है और फॉग है और फॉग है। हम सबको मालूम है, टीवी चैनल्स रोज़ और अखबारात और जराइद और रेडियो स्टेशंस इस हवाले से आपको आगाही भी फराहम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने जाना है आज इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पे, तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे? तो आप ऐसा दिल खोल के मुझे मशवरा देंगे कि देखिए, आपने हैजर्ड लाइट्स चला के जानी है, आप अपनी गाड़ी में फॉग लाइट्स लगवा लीजिए, रफ्तार जो है वो 100 से कम रखिए, और अगली गाड़ी की लाइटों पे नज़र रखिए। इस तरह के बहुत से मशवरे आपके पास होंगे मेरे लिए, लेकिन सवाल यह है कि जब आप खुद गाड़ी चलाते हैं तो क्या आप इस मशवरे पर अमल करते हैं या नहीं? आदाद शुमार साथियों ये कहते हैं कि हर बरस पाकिस्तान में फॉग और स्मॉग की नज़र हो जाती हैं बहुत सी जाने। तो क्या उन गाड़ियों को चलाने वालों के पास ये मशवरा नहीं था? था, लेकिन मसला वही है कि हम दूसरों के लिए मशवरा देते हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते। कल मेरी आंखों का देखा वाकया, मुझे कल सुबह लाहौर जाना था और शाम में वापस आना था, और आप सबने अखबार में भी पढ़ा होगा, टीवी पर भी सुना होगा कि लाहौर के करीब मोटरवे पे एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां और 2 बसें और बहुत सा नुकसान, और वो मनाजिर ऐसे हैं कि जिनको मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन मैं सोच ही रहा था कि तमाम वो अफराद होंगे कि जिनसे अगर मशवरा लिया जाए तो ये बहुत अच्छे मशवरे देंगे, लेकिन जब खुद सड़क पर चढ़ते हैं तो क्यों उन बातों पर अमल नहीं करते? खुदारा अगले 2-3 माह बहुत बहुत मुश्किल हैं, ख़ासतौर पे सेंट्रल पंजाब के एरिया के अंदर फॉग स्मॉग बहुत ज़्यादा है। अपना ध्यान कीजिए, अपनी जान का, अपने बच्चों की, अपने इर्द गिर्द सड़क पे चलते अफराद की जान का ख्याल कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मोटरवे पे ही लिखा हुआ देख रहा था, बेटर लेट देन नेवर, यानी कि आप देर से पहुँच जाएंगे कोई बात नहीं, इससे कहीं बेहतर है कि आप ना पहुंच पाए। सुबह सुबह जरा उदासी किसी बात होगी, लेकिन ये बात जरूरी इतनी थी कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता था, क्योंकि कल के वो मनाजिर अब तक मेरे जहन से, मेरी नजर के सामने से पोशीदा नहीं हो पा रहे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। दिन का आगाज करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, दिन का आगाज करते हैं एक दुआ के साथ और हैप्पी फीलिंग के साथ कि हम सब खैरियत से रहें, और ये अच्छा सा शो आपके लिए आज अच्छे से सेगमेंट्स लेके आए। मेन्यू कार्ड आपके सामने रखते हैं जी। मेन्यू कार्ड में मेरे क्लास फेलो SMA, आज कुछ ऐसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जिक्र करने चले हैं कि ये तो नहीं मैं कहूँगा कि उनका जिक्र कम कम होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि क्रिकेट जो है वो डोमिनेट कर जाती है हमारी खेलों की जब भी बात हो। तो आज ज़रा क्रिकेट से हटकर ऐसे में कुछ स्पोर्ट्समैन की का तारुफ लेके आए हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से, मुख्तलिफ खेलों से है, तो उस हवाले से थोड़ी सी आपकी मालूमात में इजाफा ऐसे में करेंगे। और अब्दुल्ला भाई हमें बताने जा रहे हैं कि रेनोवेशन
का एक लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, घर में रेनोवेशन हो रही है, दफ्तर में रेनोवेशन हो रही है, तो रेनोवेशन के बिफोर एंड आफ्टर की कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमें बताएंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी सी मेहमान अदीला हमारे साथ होंगी। और आज हम पाकिस्तानियों के सेहत के हवाले से जो बिहेवियर्स हैं, अपनी सेहत या अपने घर वालों की सेहत, और उस सेहत को बेहतर रखने, उसको ठीक रखने, प्रीकॉशन और प्री बीमारी से पहले कैसे हम बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं, इस हवाले से ज़रा हम अदीला से बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंटफुल सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एंड और क्या रह गया, और क्या रह गया, और क्या रह गया, हाँ कुछ नहीं रह गया, तो चलते हैं हम असल चीज तो रह गई। गुड मॉर्निंग, आई वाज थिंकिंग कि आप नहीं भूलेंगे, लेकिन आपने कहा नहीं। जनाब, ये कैसे हो सकता है कि ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीरा का सेगमेंट हम भूल जाएं? इसी से तो हमें एनर्जी मिलती है, इसी से हमें याद रहता है कि हमने निहारियां कढ़ाइयां कम खानी है और हमने हेल्दी लाइफस्टाइल ईटिंग भी करनी है। जी, क्या है आज आपके लिए हमारे आज पास? फिटनेस टेस्ट के साथ साथ मेरा भी इम्तिहान है। अच्छा, हमारे उस्ताद जी जो है वो कहते हैं कि आज बिल्कुल ब्लैंक जाना है हमने। ओहो, और वो ऑन द फ्लोर हम देखेंगे क्या करना है हम लोगों ने। तुम्हारा टेस्ट है, उस्ताद जी ने कहा। अच्छा, ऑन द फ्लोर ऐसा होता है। तहमीना लीड कर रही है, काशिफ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन असल टेस्ट तुम्हारा काशिफ तब हो कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और हम कि अब जो तहमीना कर रही है उसको फॉलो करके। नहीं, मुझे बताया गया कि आज मैं देखूंगी तुम करते क्या। नहीं, कुछ नहीं होता। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, लाइक अगर आप कोई किसी पर्सनल ट्रेनर के साथ या वैसे भी जिम में जाते हो तो समटाइम्स इट हैपेंस बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। कभी कभार आपको होता है कि आप मूड में नहीं होते, उस फेज में नहीं होते, लेकिन वो जो एक फिटनेस आपको जो हम बार बार कहते हैं ना, एक मोटिवेट करता है। तो जब आप जिम में चले गए, एक्सरसाइज करने लगे, तो फिर आपको जो समझ में आए आप कर दें। अच्छा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ट्रेनर तहमीना कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं भी है कि आप ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करने से पहले को बहुत बड़ा प्लान लेके ये वही ऐसा नहीं भी है। जो जैसे बॉडी प्लेटो हिट करती है तो हम आके शॉक देते हैं, कुछ भी जहन में आया तो नहीं। देखिए, एक वैसे आम रूटीन में जो बात है जो आज मुझे लगा के करना जरूरी है कि देखिए, हर किसी की लाइफ में एक फेज होता है, एक आपकी लाइफ स्टाइल होता है, चीजें होती हैं, आप हम नेचुरल है। तो आप वाकई में कभी ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए, मुझे चीजें भी जरूरी नहीं भी, वैसे ही चले जाए। वेरी गुड, तो आज लेट इट गो और रिलैक्स करके जाएं और समंदर में छलांग लगाएं सोचे बगैर कि पैसिफिक ओशन की तरफ जाना है या अटलांटिक ओशन। नहीं, स्विमिंग आनी चाहिए, क्योंकि मुझे आती नहीं तो मैं पानी के नजदीक नहीं जाती। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू किया जाए बैक से, बैक करते हैं, एंड देन वी कैन डू द फुल बॉडी वर्कआउट। ठीक है, सो विल डू द बेंट ओवर रो। बेंट ओवर रो, अच्छा जी, बेंट ओवर रो काफी दफा आपको बताई है, पोजीशन भी आपको पता है, वेट्स, क्योंकि बैक एक बड़ा मसल है जो आपका, ये वाला पिछले जो आपके मसल्स हैं। तो काशिफ के पास 8 किलो के वेट है, मेरे पास 2-2 किलो के, जो कि इनफ नहीं है। अगर आप घर पे भी कर रहे हैं, और अगर आपने साइज गेन करना है, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर आप वैसे यानी खवातीन करना चाहिए, आपकी मुराद है कि ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और जितना बड़ा मसल होता है उतना रिकवर होने में टाइम लेता है। जी, यानी अगर जैसे काशिफ अभी कर भी रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी बॉडी के मसल्स हैं उनके हिसाब से भी वेट उठाना होता है, कि अगर आप बैक का कर रहे हैं, चेस्ट का कर रहे हैं, लेग्स का कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा हैवी वेट जाना पड़ता है। और अगर रहे, जी, और अगर बाइसेप्स का कर रहे हैं, या इवन अगर शोल्डर में भी आप उठा सकते हैं, बट नॉट टू हैवी। ठीक है, अच्छा काशिफ, ये बेंट ओवर रो, अगली एक्सरसाइज हम इसी की बता देते हैं, बैक के साथ, जैसे अभी आपने ये अपर बैक की है, अपराइट रो बताएंगे। अच्छा, ये 12 अगर आपका बैक का वर्कआउट है, या आप किसी दिन, अक्सर लोग आसान लगती है, ये इतनी आसान है नहीं, ये वाकई वक्त में याद रखना नहीं। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग वाले जो लोग होते हैं ना, स्पेशली लड़के भी, लड़कियां भी खैर करती हैं, लेकिन कई दफा ये होता है कि वो एक दिन में एक मसल ट्रेन करते हैं, यानी अगर वो 5 या 6 दिन जा रहे हैं, तो अगर आज बैक का वर्कआउट है तो फिर 5-6 एक्सरसाइजेस वो सिलेक्ट करते हैं और फिर उसी पे एक्सरसाइज बैक से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, या फिर चेस्ट की। और कुछ लोग ये करते हैं कि डिपेंड्स ऑन द टाइम, फिर वो कहते हैं कि आज चेस्ट की है तो चेस्ट की करनी है, या कुछ हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो ये करते हैं कि दे ट्रेन कंपाउंड मूवमेंट्स के। आप दोनों जैसे लोग जो है ना, उनकी मिसालें हम जैसे लोगों पे लागू नहीं आती है, बराए मेहरबानी इससे इज्तनाब फरमाएं, क्योंकि हमें बहुत एहसास कमतरी हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने बैक का वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा कार्डियो, जैसे अगर तो आपका शुगर लेवल डाउन रहता है, यानी ब्लड प्रेशर लो है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर जेनेटिकली लो है, ठीक है, तो मुझे स्वेट नहीं होता। अगर अच्छा, मैं सिर्फ इस तरह की ट्रेनिंग करूं तो मेरी बॉडी को बहुत टाइम लगता है वार्म अप करने के लिए, जो मैं आज मेरी एक्सरसाइज बताने का मकसद भी ये था।
उन हजरात के लिए, वो खवातीन हैं या मर्द हजरात हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो जो है ना बीच में कार्डियो ऐड करें। ओके, तो थोड़ी सी स्वेटिंग हो। जी, तो जैसे हमने ये अपराइट रो या जो भी कुछ किया है, तो अब आप कार्डियो ऐड करने लगे। जी, तो सो यू कैन डू चैलेंज। ठीक है, उसके बाद आप आए, ठीक है, अगेन यू गो बैक बर्पी, उससे ये होगा कि थोड़ा हार्ट रेट अप हो जाएगा। कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा कि मेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो रही है या मैं तो, या वो जो मैंने सीक्वेंस सोच रखा जी, था जी, वो। जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेम इसको जो है ना इसी पोजीशन में, जैसे आपने 10 से 15 रेपिटेशंस की हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा एंड गो बैक टू द सेम। लेकिन काशिफ, मैं देख रहा हूं कि आपने 8-8 किलो के डंबल्स उठाए हैं, इस पे जरा थोड़ी सी वजाहत कीजिए। वैसे जरूरी नहीं है कि 8 किलो, आई थिंक बहुत ज्यादा है, इसमें जरा कम भी हो जाए, इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ बर्पीज हैंड्स पे भी कर लें। अच्छा, बैक से ही रिलेटेड वर्कआउट करते हैं, जैसे आपने 2 एक्सरसाइजेस की हैं, उसके बाद आप डेडलिफ्ट पे चले गए। अच्छा, डेडलिफ्ट का भी मैं थोड़ा सा आकाशिफ जब तक एक्सप्लेन करेंगे कि डेडलिफ्ट जो है मतलब जी दोनों आप कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल मूवमेंट्स है, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये लेग्स का वर्कआउट है, यानी आपके हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व हैं, ये ग्लूट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें यह कि लोअर बैक का भी वर्कआउट है। तो इस वजह से ये है कि आप थोड़ा सा हैवी जाएंगे और उसको जैसे आप पूरा नीचे गए हैं, वेट इसमें हैवी चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आप एक एक्सरसाइज अभी और रहती है ना हमारी? जी, एक रहती है, एक रहती है, वो कर लें। तो उसके बाद दो सवाल भी आए हुए हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे आपने ये वाली एक्सरसाइजेस की हैं 3, ठीक है, लोअर बैक की आपकी हो गया, तो आप अपराइट रो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक डंबल आप रख दें, ये आप किसी बेंच के ऊपर भी हाथ रख लेंगे, कहीं पर भी रख लेंगे, तो आपने स्ट्रेट एक आर्म के साथ जाना है। और जैसा कि हम आपको साथ साथ बता रहे हैं कि लोग चूज करते हैं, केबल के साथ वर्कआउट होता है, डंबल्स के साथ होता है, बारबेल के साथ वर्कआउट होता है, तो फिर जो उसमें एक्सरसाइज होती है, जैसे ये वन आर्म रो की है, फिर लोग पुल ओवर भी करते हैं। जो पुल ओवर का मकसद ये होता है कि बेंच पे लेट के यू गो ऑल द वे बैक, ठीक, तो वो फिर आप चूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस सभी एक हैं, सिर्फ डिफरेंट मसल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने 10-12 रेपिटेशंस दूसरी साइड पे। तमीना, थोड़ी सी हम तब्दीली करेंगे आज के प्लान में, सवाल हम लेंगे कल, क्योंकि आज है वक्त हमारे पास कम। हम चल के लेंगे अब ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे साथियों, थैंक यू वेरी मच ट्रेनर तहमीना, थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हैं SMA, और आज कुछ ऐसे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की दुनिया के सितारों की बात होगी कि जिनके ऊपर ज़रा बात यूजुअली कम होती है, इसलिए कि क्रिकेट जो है वो डोमिनेट कर जाती है। क्रिकेट के अलावा भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, तो ये मेरे साथ अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली SMA। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। बड़े फ्रेश और स्माइली से लग रहे हो। फ्रेश तो नहीं पड़ता, ठंड है। ठंड फ्रेश कर देती है ना, फॉरन बाहर निकलते हैं। बट तो आपने अच्छा किया है कि आपने वार्म कपड़े पहने हुए, और हम सब बच्चों को कहेंगे कि बच्चों आपको कई बार सर्दी नहीं भी लग रही होती है, मम्मी कहती है स्वेटर पहन के निकलो बाहर, जैकेट पहन के जाओ, अब्बू कहते हैं सॉक्स पहनो, ये क्या नंगे पैर फिर रहे हो, और हमें लगता है इनको क्या पता, मुझे तो सर्दी लग ही नहीं। ऐसा होता ना? जी बिल्कुल। लेकिन सर्दी लग जाती है जी, क्योंकि अंदर अंदर आपका कमरा गर्म होता है, बाहर जब आते हैं ठंड होती है, तो आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, तो इसलिए अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए, बड़ी आपा फुफो की बात माननी चाहिए, चाचू की बात माननी चाहिए, और जब वो कहें कि सॉक्स पहने तो सॉक्स पहने, और जब वो कहें कि जैकेट वार्म करके अपने कैप पहन के बाहर निकले, खासतौर पे पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है, और बहुत से इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ पे इस वक्त इतनी ज्यादा सर्दी नहीं भी है, तो आप सोच रहे होंगे ये क्या तौसीफ अंकल बैठ के कह रहे हैं कि सॉक्स पहने और कैप्स पहने, लेकिन हम उन इलाकों के बच्चों बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, और फिर आप जैसे कि SMA ने हमें बताया, गर्म सर्द होने से आप बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन जनाब, ये तो था हमारा सर्मन, इंट्रो सर्मन था। बताएं आज क्या लेके आए जनाब आप हमारे लिए, कुछ स्पोर्ट्समैन जी? आज हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया स्पोर्ट्स की दुनिया में, सिवाय क्रिकेट। क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत बड़ी चीज है, और हम और हर वक्त बात होती रहती है क्रिकेट की। बिल्कुल, अभी तो मैं अभी होने वाले वर्ल्ड कप है ना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, और मैं तो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ जिगर PSL को। हाँ, PSL PSL आएगा तो फिर हम कोई स्पेशल यहाँ पे अपना सेगमेंट भी सजाएंगे, है ना? ऐसे में ग्रेट, उसका तो गाना भी अली जफर का।
एग्जैक्टली और हर टीम के अपने थीम सॉन्ग्स हैं, उनको भी प्ले करेंगे, उन पे भी बात होगी। तो पीएसएल के हवाले से तैयारी सब पकड़ लें जनाब, ब्रेकफास्ट एट होम में हम कुछ जबरदस्त किस्म की चीजें करने वाले हैं। सरप्राइज सरप्राइज अभी बताना नहीं है। अच्छा जी, पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। जी हमारी पहली स्लाइड है आशिक हुसैन की। He was a boxer. ठीक है। He won a bronze medal in 1958 Asian Games in Tokyo में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो Asian Games होने हैं, उसमें भी he won a silver medal। Due to injuries, क्योंकि boxing में आपको चोटें काफी लगती हैं। Okay। और उसकी बीवी ने कहा कि अब मैं तुमको इतनी पट्टियां करी हैं नमक से, तो उससे कहा मैं तंग हो गई, तो choose another sport। Then he became a cyclist। अच्छा, जो चोटें लगती थी और बेगम ने कहा भाई बस हो गई अब तो तुम्हारी तीमारदारी करते करते, तो उन्होंने फिर साइकिलिंग को अपना लिया। वेरी गुड वेरी गुड। He represented Pakistan in Rome in 1960 and Tokyo in 1964 as cyclist। ठीक, पहले एज अ बॉक्सर उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और फिर एक साइकिलिस्ट की हैसियत से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। He remained a cycling champion in Pakistan for a long time। ठीक है। He won 70 different international and national medals. 70 से ज़्यादा medals इन्होंने हासिल किए हैं कौमी सतह पे और बैनुल अक्वामी सतह पे। जी, ये इसका इनका इन्होंने अपना करियर परसू करके he started to get poor. Now he drives a rickshaw in Lahore. मगर he has died in 2018. अच्छा, और अपने इंतकाल से पहले वो रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते थे। तो ऐसे में ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि हम शायद मैं उसको स्कॉश को भी इसमें शामिल करूंगा कि क्रिकेट है या स्कॉश है या किसी हद तक हॉकी भी हमारी प्राइम खेलें हैं, लेकिन हमारे वो दोस्त जो पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेके आते हैं उसके बाद बड़ी उम्र में जाके उनका क्या मुस्तकबिल होता है या वो अपनी रोजी रोटी कैसे कर रहे हैं, इस तरफ भी हुकूमत की सतह पर भी और हम सबको एज ए नेशन तवज्जो देने की जरूरत है। जी, उसके बाद हम आते हैं हुसैन शाह। He struck a gold medal in the international debut at the 1984 South Asian Games. बिल्कुल ठीक है, और हुसैन शाह तो एक बहुत बड़ा नाम है और इन पे फिल्म भी बनी शाह के नाम से, और मुझे याद है कि जब हुसैन शाह रिंग में जाते और पाकिस्तान में हम लोग उनको फॉलो कर रहे थे तो एक बाकायदा मोमेंटम होता था कि शाह 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 शाह, and he obviously got big name for the country. नाम भी उसको कैच है तो चलता सही तरह। Exactly. Exactly. तो आज हुसैन शाह को भी हमने शामिल किया कि जी yes, हुसैन शाह आपकी contribution पाकिस्तान के लिए we can never forget. अच्छा जी, अगली slide पे चलते हैं। और कौन है जिनको आज हमने याद करना है? आहा, अब्दुल खालिक। ये हमारे काफी बड़े हैं। Yes. अब्दुल खालिक। A Pakistani sprinter who won 36 international gold medals. International 36 gold medals. Zabardast. Aur silver bronze se pata nahi kitne honge. Pata nahi kitne honge. First ever gold medal. He won Pakistan ka first ever gold medal. ठीक है। Pakistan जब बना उसके बाद नया नया पहला gold जो है वो अब्दुल खालिक ने हासिल किया। और ये 100 meter race थी in 1959 Commonwealth की games में। Commonwealth games में। 100 meters. He has brought for Pakistan 15 international silver medals, 12 international bronze medals. He only brought for Pakistan. अपने पास. Great. अच्छा, वो आखिरी वाला point बड़ा जबरदस्त मुझे लग रहा है. ये क्या है? पढ़ो जरा. जी, ये मेरे ख्याल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये आप कह सकते निकनेम टाइप दिया. एक लकब दिया. लकब दिया. बताइए वो क्या था? The Flying Bird of Asia. The Flying Bird of Asia, Indian Prime Minister ने इनको कहा था, okay, के Flying Bird यानी के उड़ तेज, उनकी तेज रफ्तारी की वजह से, है ना, उड़ने वाला Flying Bird, bird तो वैसे flying ही होता है। इसका एक और काफी वैसे valid point है। In 1954 Asian Games में खालिक set a new record of 10.6 seconds in a 100 meter race. 10.6 seconds में 100 meters. 100 meters. मैं तो मेरे ख्याल 10 मिनट में कर सकता हूँ। अच्छा जी, next slide पे चलते हैं। अगला कौन है हमारा sport? मोहम्मद बशीर, wrestler. मोहम्मद बशीर से पहले यहाँ पे नसीम अच्छा मोहम्मद बशीर अभी आगे ठीक है। मोहम्मद बशीर wrestler, ठीक है।
जी मोहम्मद बशीर एक रेफलर थे काफ़ी अच्छे, उन्होंने ये किया कि वन ब्रॉन्ज मेडल इन द फ्री स्टाइल रेसलिंग में ओके इन द वेल्टर वेट, ठीक है वेल्टर वेट क्लास जो 73 केजी की थी एट द 1960 ओलंपिक्स ही वन 3 गोल्ड मेडल्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड आल्सो 4 मेडल्स इन द एशियन गेम्स। वैसे पाकिस्तान रेसलिंग में अब तो काफ़ी अच्छा हो चुका है, मगर पहले इतने अच्छे नहीं थे। तो इन्होंने इस मोहम्मद बशीर ने वॉज ओनली रेसलर टू ब्रिंग अ मेडल फ्रॉम द ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। ओके ओके जी यानी 1960s में ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग मेडल फॉर पाकिस्तान, ब्रॉन्ज नहीं इट कुड बी एनी मेडल मगर मेडल इन द ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। ओलंपिक से पाकिस्तान को मेडल लाना बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में जब नया पाकिस्तान बना था, अभी 12 साल का छोटा सा मुन्ना सा बेबी था, 13 साल का 47 में बने थे, है ना। ग्रेट। अच्छा जी नेक्स्ट स्पोर्ट्समैन कौन है? नेक्स्ट स्पोर्ट्समैन हमारे आते हैं नसीम अहमद। नसीम हमीद मिक्स हो गया था। नसीम हमीद और बहुत जबरदस्त जनाब इनका काम है और इन्होंने जो पाकिस्तान के लिए, और मेरा ख्याल है कि मीडिया ने भी और हमारे सोशल मीडिया ने भी नसीम को बहुत पजीराई दी, उनको बहुत फॉलो किया जाता है। और आपके पास क्या स्टैट्स हैं इनके बारे में जरा बताइए। हमारे पास स्टैट्स हैं ये, 1 गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर डैश इन 2010 सैव गेम्स साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। उसके बाद 1 नंबर ऑफ नेशनल टाइटल्स। लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू गेट अ गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर्स। ग्रेट। और बिल्कुल साथियों, और नसीम ने जब ये सारे मेडल्स लिए और एकदम से मीडिया के ऊपर इनके ऊपर बात भी होनी शुरू हुई, तो एक और चीज़ जो बड़ी वाजियों के सामने आई कि पाकिस्तान के अंदर अगर बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए स्पोर्ट की फैसिलिटीज़ हो, उनको इनक्रेज किया जाए, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, एक प्रोडक्टिव पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया जाए, तो हमारी लड़कियां भी इंटरनेशनल सतह का खेल सकती हैं, चाहे वो एथलेटिक्स हो या किसी तरह भी कोई स्पोर्ट हो। और नसीम हमीद ने डेफिनेटली इस हवाले से एक तवज्जो भी दिलाई ताकि हुकूमती सतह पर भी और पूरी कौम किस तरह से इन बच्चियों को जिनके अंदर टैलेंट है उनको इनक्रेज कर सकते हैं। और इसके बाद काफी लोग उसका नाम पता होगा, समीना बेग। यस ऑफ कोर्स, समीना बेग हमारे शो में भी आ चुकी हैं और ये क्लाइंबर हैं, नाउ शी इज द फर्स्ट इंटरनेशनल, शी इज द फर्स्ट एंड ओनली पाकिस्तानी वुमन टू क्लाइंब एवरेस्ट इन सेवन समिट्स। सेवन समिट्स का मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक्स। दुनिया की 7 समिट्स, हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट समिट इन्होंने की है, क्लाइम किया है। उसके बाद इन 2013 शी क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड देन ऑल द 7 समिट्स बाय 2014, यानी डेढ़ साल के अंदर अंदर ही। नहीं, जैसे 2013 में इन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट और उसके बाद उन्होंने 7 समिट्स ऑन 14 तक क्लाइम कर ली। जबरदस्त। शी इज आल्सो द यंगेस्ट मुस्लिम woman to climb Mount Everest. She did this at the age of 21. She was very young. 20 young, very young for climbing a mountain. वैसे भी जब आप ऊपर आते तो air gets thinner, तो आपको trunk चाहिए होती है, you have to have a breathing. You have to have good lungs. Healthy young lungs होने चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक है। Next point, next slide है जी। My last slide आ दी। Azhar Hussain. In the 2010 Commonwealth Games, he won his country's first medal, a silver. His second medal, a gold, gave Pakistan Commonwealth Wrestling gold medal after 40 years. 40 साल के बाद उन्होंने gold medal पाकिस्तान के लिए लाए हैं। Very good, SMA ने जनाब आज हमारी तवज्जो दिलाई है कुछ ऐसे खेलों की तरफ, ऐसे स्पोर्ट की तरफ कि जिसमें बहुत बड़े बड़े सितारे हमने पैदा किए, लेकिन SMA का ख्याल ये है कि हमारे टेलीविज़न पे, चाहे वो कोई भी चैनल हो, PTV हो या कोई भी चैनल हो, ज़रा क्रिकेट के अलावा बात कम कम होती नज़र आती है। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आप ये सेगमेंट बना के लाएँ। इट वॉज गुड। यस, क्वाइट गुड। व्हाट, आप कौन से खेल खेलते हैं? मैं ऐसा खेल खेलता हूँ जो पाकिस्तान में ज़्यादा मशहूर नहीं है मगर दुनिया में बहुत मशहूर है। वो क्या है? फुटबॉल। पाकिस्तान में मशहूर नहीं है? इतने भी नहीं है ना, कर जगह
ये कैसे हो सकता है? इतनी भी नहीं है, मैसी, मैसी के बगैर कैसे जिंदगी मुकम्मल? अच्छा, तो आप फुटबॉल खेलते हो? जी बिल्कुल। ग्रेट, ऐसे में थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अब्दुल्ला भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और अब्दुल्ला आज हमें कुछ रेनोवेशन के डूज एंड डोंट्स बताने वाले हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम में जो हमारे सेगमेंट एक्सपर्ट्स आते हैं और उनको जो फॉलो किया जाता है, तो अब आप उनके सेगमेंट्स को डिजाइन करने लग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। और अब्दुल्ला का जो सेगमेंट है जी, उसमें जो सबसे ज्यादा लोगों को चीज लोग चाहते हैं देखना, वो है बिफोर एंड आफ्टर। वैसे ही बिफोर एंड आफ्टर मेरे ख्याल इंटरनेशनली लोग पसंद करते हैं जी, कि ये फूल अगर लाल थे तो पीले हो गए, तो बिफोर एंड आफ्टर। सो बिफोर एंड आफ्टर को तैयार करते हुए आप कितना एंजॉय करते हैं इस सेगमेंट में? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है ना, कि एक चीज़ आप देखते हैं और फिर जिस तरीके से आपके जो मशवरे होते हैं और उसको किस तरीके से लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो किस तरीके से उनका रिजल्ट निकल के आता है, तो वो आउटकम जो होता है वो देख के जो है वो काफ़ी एक्साइटमेंट और खुशी होती है। आपको लगता नहीं है कि आपकी जो गाइडेंस है उसके बाद लोग इतने अच्छे एक्सपेरिमेंटेशन खुद करने लग गए हैं कि आप जैसों की दुकान बंद होने वाली है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा जी, आज क्या जी? है तौसीफ, हम अपने प्रोग्राम्स में बहुत दफ़ा ये बात करते हैं कि बस ये दो तीन चीज़ें कर लें तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ज़रा सा ये कर लें तो वो हो सकता है। तो जो समथिंग लाइक दैट है, जो हमारे सेगमेंट का भी नाम है, तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, तो इस वजह से मैंने कहा कि उसकी एक कंपाइल करते हैं पिक्चर्स को, great, कि जो बिफोर हैं और आफ्टर हैं, तो वो साथ साथ रख के उनको देखें तो वो किस तरह की लग रही है। चले जनाब, समथिंग लाइक दैट, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये बिफोर है, और ये देख सकते हैं कि लाइट की कमी है। तो उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसके अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने सर्टन डिसीजंस लेके उसको जो है वो मसलन दरवाजा बदला, दरवाजा बदला, वहां से लाइट ली, और इनके पास ये ऑप्शन थी कि ये छत भी थोड़ी सी को वो ऊपर करके वहां से भी लाइट ले सकते थे। जो फ्लोरिंग है उन्होंने उसको एक तरह का फ्लोर बनाया, और आप देख सकते हैं कि एक हमने प्रोग्राम किया था रेपिटेशन के ऊपर जी, तो जो राइट साइड के ऊपर इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ येलो येलो कलर के फ्लावर्स जो है वो अपने राइट साइड पे भी रखे हुए, और कुछ जो येलो फ्लावर्स हैं वो लेफ्ट साइड पे भी रखे हुए। तो एक विजुअल कनेक्शन बनाया है, और एक कंटिन्यूटी और रेपिटेशन के थ्रू और लाइट के थ्रू सारी की सारी चीजों को एक इम्प्रूव कर लिया। सो लेफ्ट साइड पे एक थोड़ा सा डल बोरिंग सा इमेज है, हालांकि घर वही है, जगह वही है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली से बुनियादी तौर पे जो मुझे बहुत वाजे तब्दीली नजर आ रही है वो अब्दुल्ला इसके अंदर लाइट की लाइट है, की लग रही है कि नेचुरल लाइट का सोर्स लिया गया है, और उससे देखिए पूरी की पूरी जगह जो है वो ब्राइटन अप होगी, बिजली का खर्च भी कम। एब्सोल्युटली। ये क्या है जी? ये डाइनिंग रूम है, और इसमें के भी बिफोर एंड आफ्टर हम साथ साथ देख सकते हैं। तो जो बिफोर है उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वो एक थोड़ी सी डार्क स्पेस है, थोड़ा सा जो है वो हैवी उसकी लुक है, और जो आफ्टर वाले इमेज है उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ टेबल का कपड़ा हटाया और उसी से टेबल एकदम से बड़ी लगना शुरू हो गई। फिर जो चेयर्स थी उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज किया, और जिस तरीके से हम बात करते हैं कि थोड़ा लाइट किस्म का फर्नीचर हो वो किया, मेरे ज़माने की कुर्सी हटा के आपके ज़माने की कुर्सी आ गई। और जो पीछे शेल्फ्स लगी हुई थी उनको भी हम देख सकते हैं कि वो जो थी काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, लेकिन उन्होंने वो सारी शेल्फ्स को हटा के जो था सिर्फ लेज प्रोवाइड कर दिया, ताकि आपकी स्टोरेज स्पेस भी आ जाए, आप चीज़ें उसके ऊपर रख सकें, बट उसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। और इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है खर्चा भी नहीं हुआ। जी जी, आपने सिर्फ मतलब टेबल पे से कपड़ा उठाने पे कितना खर्चा लग जाएगा? बिल्कुल ज़्यादा नहीं। जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये भी सिमिलर तरह की एग्जांपल है डाइनिंग रूम की, और इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो एक स्पेस है वो काफ़ी डार्क है, लेकिन अगेन वाइट कलर का इस्तेमाल करके थोड़ा सा फर्नीचर को लाइट किस्म का फर्नीचर यूज़ करके उन्होंने पूरी की पूरी स्पेस को एक बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा ब्राइट किस्म की जो है ना वो डाइनिंग रूम। और मुझे वो पसंद आ रही पीछे जो उन्होंने पेंटिंग लगाई है जी, वो भी बड़ी एक्सपेरिमेंटल सी, बड़ी शॉकिंग सी, बट येट वाइट के इस्तेमाल से बड़ी लाइटर भी है आंखों के लिए जी। तो अगेन फिर हम वही कंपैरिजन देख सकते हैं कि दो तीन चीजें करने से पूरा आउटलुक ही उसका सारा चेंज हो गया। एग्जैक्टली। और अरे वाह, इसी आइडिया को अगर हम मजीद विजुअल्स में देखें तो जो बिफोर वाला है उसमें अगेन बहुत ज्यादा हैवी लुक है, डार्क डार्क सी सारी चीजें, और उसके कंपैरिजन में जो आफ्टर वाली पिक्चर है वो वाइट कलर के इस्तेमाल से सारी हैवी हैवी चीज़ों को हटाने से, तो वो ये वही जगह है, ये वही जगह है जी। अरे वाह।
ठीक है, और ये कुछ थोड़ा सा लाउंज की एग्जांपल्स हैं, और इसमें भी हम वही देख रहे हैं कि किस तरीके से एक डार्क स्पेस है लेकिन कलर थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा फ्लोरिंग उन्होंने ब्लू ही रखी है लेकिन फ्लोरिंग के ऊपर उन्होंने सिर्फ एक व्हाइट कलर का कारपेट बिछा दिया, सो वो सारी की सारी स्पेस जो है वो कुशादा और तो बड़ी लग रही है। ये तो बड़ा फिर जिंदगी आपने आसान कर दी, और आपने अपनी दुकान बिल्कुल ही बंद कर दी, आज ताले भी लगा दिए हैं, वो मोटी चाबी करके दरिया में फेंक दी चाबी आपने, जब आप हमें सारे हर मसले का हल ये बता रहे हैं, व्हाइट में कर दें, व्हाइट में कर दें, व्हाइट में, तो सब कुछ व्हाइट में कर दें और अब्दुल्ला की दुकान बंद। हर मसले का हल हरगिज भी ये नहीं है, अभी तक तो मुझे लगा इत्तेफाक की बात है कि जब भी दो तीन एग्जांपल्स आ रही है उसमें हो रहा है, और मेरे ख्याल से इस हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर की ट्रेनिंग होती है वो ये होती है कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें मिल के आके एक स्पेस को क्रिएट करेंगी, किस तरीके से सारी की सारी चीजों को व्हाइट कर दें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओह वाकई यहाँ वाइट नहीं है भाई जी। हाँ, यू वर राइट। थोड़ा सा फर्नीचर के साथ चेंज करके, थोड़ा सा लाइट किस्म का फर्नीचर करके, पर्दों के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके, पूरी की पूरी जो स्पेस है उसका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज किया जा सकता है। और मैं कई बार ये महसूस करता हूँ अब्दुल्ला के हमारे घरों में बहुत अच्छी कई बार खिड़की होती भी है और उसके बाहर का मंजर अच्छा होता भी है, लेकिन हम उस पर बहुत ही मोटे मोटे से पर्दे डाल के उन पर्दों को हर वक्त उनके आगे रखते हैं, उनको कभी हमने खुलने का मौका ही नहीं दिया, कभी बाहर की रोशनी अंदर आने का मौका ही नहीं दिया। तो अपनी खिड़कियों के आगे से पर्दे, जहन की खिड़कियों के आगे से भी और कमरे की खिड़कियों से आगे से भी हटाइए, देखिए बाहर की रोशनी आएगी और आपका जो अंदर का इंटीरियर है, जहन का भी और कमरे का, बहुत खूबसूरत लगेगा। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लाइट का अगली जरा स्लाइड दिखाएंगे, बहुत शुक्रिया। अरे वाह, ये जो है मेरी फेवरेट स्लाइड है, और इसका रीजन ये है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो हम जितनी भी चीजों के बारे में बात करते हैं उसका जो एक दो डिफरेंट एक्सट्रीम्स हमें नजर आ रही हैं, कि जो उसकी बिफोर वाली कंडीशन थी उसको उन्होंने एक छोटे से बाथरूम को किस तरीके से, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही बाथरूम है। जी, उन्होंने पीछे एक वॉलपेपर लगाया जिसमें वॉलपेपर है जी, और उससे जो है वो एक इन्फिनिटी वाला फील आ रही है, और फ्लोरिंग उन्होंने थोड़ी सी चेंज की, उन्होंने थोड़ा सा डब्ल्यूसी वगैरह भी अपना चेंज कर लिया, लेकिन जो सर जो मेन एलिमेंट है वो वॉलपेपर है जो उन्होंने इस्तेमाल किया, सिर्फ उसके इस्तेमाल करने से वो जो पूरी की पूरी स्पेस है वो एकदम से बड़ी और कुशादा लगना शुरू हो गई। अच्छा, मैं तो पहले घबरा ही गया था कि इस समंदर पे पिछला दरवाजा आपने खोल दिया है जी, तो ये मछलियों से कैसे हम पर्दे का इंतजाम करेंगे। लेकिन ये वॉलपेपर है और कितना खूबसूरत है कि वाकई वेरी नाइस। अच्छा जी, ये क्या है जी, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ बाथरूम, और इसमें भी उन्होंने यही किया है कि फ्लोरिंग के साथ थोड़ा सा प्ले किया है, इसमें उन्होंने यार अब्दुल्ला कसम से मुझे तो ये बिफोर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, सीरियसली। जो बिफोर वाला है ना वो थोड़ा सा डार्क है, और उसके जो सारी की सारी उसमें कैबिनेट वगैरह बनी हुई है उसकी वजह से थोड़ी सी उसकी हैवी लुक है, लेकिन अगेन जब उन्होंने वो सारी चीज़ें हटा ली तो उनके पास ये ऑप्शन हुआ कि जो फ्लोरिंग है उसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो उन्होंने जो फ्लोरिंग है उसको काफी कंटेम्प्रेरी अंदाज में जो थोड़े से पैटर्न्स के साथ प्ले करते हुए, हाँ ये कलर थोड़े से कंटेम्प्रेरी है जी, तो मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं गारों के जमाने का इंसान हूँ तो मुझे बिफोर वाली चीजें पसंद हैं। और तौसीक, इसमें बहुत दफा ये भी होता है कि जो रेनोवेशन होती है, जिस तरह कोई चीज बहुत पुरानी है और आप चाहते हैं कि उसे कुछ थोड़े से नए जमाने के हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को जो है ना वो शेकअप किया जाए, चेंज किया जाए, तो उसके हवाले से भी होता है, तो इस वजह से वो थोड़े से पुराने तरह के टाइल्स को चेंज करके थोड़े से नए तरह के टाइल्स जो है ना उनके साथ प्ले करना चाह रहे थे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू जी। आगे चलेंगे, अगेन इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दो बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स में जो है ना वो बाथरूम की दीवारों को जो है वो डिवाइड किया हुआ था, लेकिन वो सारे टाइल्स हटा के जब उन्होंने एक कलर किया, थोड़े से फ्रेम्स के साथ प्ले किया, जो फ्लोरिंग थी वो जो है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर रही, और जो आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली जो वैनिटी है इसकी, जिसको हम वॉश बेसन भी कहते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने वो जो बहुत ज़्यादा हैवी लुकिंग था जो बिफोर वाला इमेज है उसमें से निकाल के उन्होंने थोड़ा सा उसको लाइट कर लिया, उसकी टांगे वगैरह को वाजे कर दिया, तो वो सारी की सारी जो आपकी स्पेस है वो खुली खुली दिखना शुरू हो गई। और टाइल्स का कलर जो है जी उसने भी बहुत फ़र्क डाला है जी, बिल्कुल सही। और अनदर एग्जांपल कि किस तरीके से वो बाथरूम है, तो जिस अगर छोटा बाथरूम है तो उसी के हिसाब से जो है ना वो थोड़ा थोड़ा छोटा किस्म का डब्ल्यूसी हो और कलर्स के साथ, और आप जो देख सकते हैं कि जो आफ्टर वाला इमेज है उसके अंदर लाइंस उन्होंने के साथ प्ले किया है कि वो जो लाइंस है वो एक दीवार से शुरू होती हैं और चारों तरफ वो घूम रही हैं, तो उससे भी जो है ना वो एक आपकी कंटिन्यूटी बढ़ती है, एक आपका मोमेंटम बिल्ट होता है, थोड़ा सा एक विजुअल कनेक्शन बनता है, तो उससे भी जो स्पेस है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर तौर पर रीड करती है। आपको हम ये मशवरा देंगे कि ब्रेकफास्ट एट होम जो हमारा फेसबुक पेज है उसमें आप इनबॉक्स कीजिए अब्दुल्ला को कि आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई तजुर्बा किया
अपने घर के इंटीरियर से, चाहे वो बाथरूम है, किचन है, लाउंज है, बेडरूम है, स्टेयरकेस है, वरांडा है, छत है, लॉन है, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इन सब मौजूदात पे बात करते चले हैं। अगर आपने कोई तजुर्बा किया है उसका बिफोर एंड आफ्टर अगर आप हमें भिजवाएं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि भिजवाते भी रहते हैं आप। अब्दुल्ला को आप आराम से बैठने नहीं देते, अब्दुल्ला हर वक्त काम पे लगे होते हैं आपको मशवरे देने के लिए, लेकिन अगर आप भिजवाएं और विद दिस परमिशन कि हम उसको टीवी पे दिखाएं तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और तौसीफ के समय मैं एक चीज़ ऐड ये भी करना चाहूँगा कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप सिर्फ बिफोर का हाई रेजोल्यूशन इमेज हमें भेजें और आफ्टर जो है वो हम यहाँ से बना के मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से बिफोर था और किस तरीके से आफ्टर ये था। तो भाई मुझे लगता है कि ये दुकान वाकई अब्दुल्ला की अब बंद होने वाली, क्योंकि अगर इसने ये काम भी मुफ्त शुरू कर दिया है तो कमाई शुमाई बस ये पीटीवी का चेक ही है तुम्हारे लिए। भाई नहीं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑफर कि आप अपने लाउंज की या बेडरूम की या जो भी जगह आप रीडू करना चाहते हैं उसकी एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खींच के हमें ब्रेकफास्ट एट होम पे इनबॉक्स कीजिए, या तौसीफ हैदर जो मेरा फेसबुक पेज है उस पे इनबॉक्स कीजिए, लेकिन अपना नाम और जगह का नाम जरूर भेजिए और उस तस्वीर को अब्दुल्ला एज एन एक्सपर्ट रीडू करके कि इसका आफ्टर कैसा होना चाहिए और आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो आपको दिखाएंगे अगले किसी एपिसोड के अंदर। आई थिंक इट्स सबसे पहले तो मैं भेज रहा हूँ अपने लाउंज की तस्वीर। ठीक, ग्रेट अब्दुल्ला, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर या ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त अदीला हमारे साथ है, और जैसा कि मैं प्रोग्राम के इब्तदाई में अर्ज कर रहा था और कुछ जिक्र हो रहा था कि हम अपने सेहत के हवाले से जो रवैये हैं उन पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। मेडिकल साइंस बिल्कुल अपनी जगह जारी है, मशीनें आ गई हैं और अच्छा अच्छा इलाज पाकिस्तान में हो भी रहा है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स वैसे ही बहुत मशहूर हैं, चैलेंजेस भी हैं नहीं भी हैं, प्राइवेट सेक्टर, हुकूमती सतह के अस्पताल, लेकिन आज हमने जरा थोड़ा सा रवैयों की भी बात करनी है कि टुवर्ड्स हेल्थ, सेहत के लिए मेरा रवैया क्या है। रहिए मेरे साथ, अभी इस पे तफसील से बात करते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज हमारे साथ मौजूद हैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट अदीला खान साहिबा, जो कि मेरा ख्याल है हर तरह के शोबे में, डेवलपमेंट सेक्टर में भी, कॉर्पोरेट साइड को भी आपने बहुत टच किया है, हुकूमती सतह के ऊपर भी पब्लिक हेल्थ के हवाले से बहुत सा आपका काम है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और आज अदीला को हमने खास तौर पे इसलिए बुलाया कि हम इनसे पूछें कि जितने पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन सब, वो सब डॉक्टर हैं पहली बात ऐसा ही सबके साथ लिख रहे हैं डॉक्टर तौसीफ हैदर, क्योंकि इस स्टूडियो में अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान और सेहत में रखे, लेकिन अगर कोई भी मेरे पास आता है कि तौसीफ भाई ये मसला है तो मेरे पास अदीला हर एक के लिए एक हल जरूर होगा, क्योंकि फुफो रजिया को भी वो मसला हुआ था तो मैं बताऊंगा फुफो रजिया फलाने डॉक्टर से कॉल गई थी, उन्हें ए दवाई ली थी, तो तू डायरेक्ट वो दवाई ला ले। ये हमारा एटीट्यूड क्या आप समझती हैं सिर्फ ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और ममालिक भी माशाल्लाह इस तरह के डॉक्टरों से फैजियाब हुए हुए हैं? बाकी थैंक यू वेरी मच तौसीक, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने इंपॉर्टेंट इशू पे हम बात करेंगे। बाय द वे आपका सेट बहुत ही रिफ्रेशिंग और मेरी सुबह बहुत अच्छी स्टार्ट हुई। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है ये रीजन में, हमारे रीजन में कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस ज़्यादा हैं जिसमें लोग सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं या अपने एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं। रीजन से मुराद आपकी पाकिस्तान इंडिया नेपाल बांग्लादेश, बट बाकी लोगों ने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया है प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के ऊपर, प्रिवेंशन पे काम करके हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। हमारे यहाँ जब आप हेल्थ फैसिलिटीज़ को फंक्शनल नहीं करेंगे और सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी तो उस वक्त लोग सेल्फ मेडिकेशन पे ही जाएंगे। ये एक तो यह है कि लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ है और फिर फंक्शनल नहीं है हमारी। दूसरा, एजुकेशन में हमारे कहीं पे हमारे करिकुला के अंदर बेसिक ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। वेस्ट में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप दो आपको ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन मिलेगी नहीं, बहुत लिमिटेड कोई दवाई आपको मिलेगी, अदरवाइज आप घर में रख नहीं सकते हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन। मशवरा भी नहीं मिलेगा, और मशवरा भी नहीं मिलेगा। आप किसी को कहते हैं मुझे सर में दर्द है, वो भी लोग कहेंगे जी फौरन यू हैव टू सी द डॉक्टर, आप जाएं और जाके डॉक्टर को दिखाएं।
ऐसा बिहेवियर या बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के जो हम पॉकेट्स के अंदर इंटरवेंशन करते हैं ये उस स्केल पे हो भी नहीं रही है और इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अगर फुफ्फो रजिया की बीमारी की दवाई मैं किसी और को दूंगा, अहमद को या बशीर को या रिजवान को, होगा क्या? हो सकता है वो दवाई काम कर जाए, डॉक्टर के पैसे बच जाए? एक्चुअली बहुत सी बीमारियों की सिम्टम्स एक जैसी होती हैं, लेकिन हर इंसान का एक अपना उसके अंदर बहुत सारे डिटरमिनेंट्स हैं। हो सकता है किसी को लिवर प्रॉब्लम है तो आप उसको वो मेडिसन ना दे सकते हैं, हो सकता है कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको हर मेडिसन नहीं सूट करती है, तो हर मेडिसन हर इंसान के लिए होती नहीं है। आपको डॉक्टर को दिखाना है, चाहे सिम्टम्स एक जैसी हों, बीमारी तो डायग्नोस आप देख के कर ही नहीं सकते। Exactly. सिम्टम्स अगर एक जैसी हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको हेडेक हो रहा है तो आपको भी जो है वो ब्लड प्रेशर शूट कर गया होगा, हो सकता है दूसरे को हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो रहा हो। तो डिफरेंट किस्म की डायग्नोस्टिक जब तक प्रॉपर नहीं होंगे आप किसी को भी मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकते उसकी सिम्टम्स देख के। और ये जो आपने कहा कि क्या ये बचपन से स्कूल में ही इस चीज की तरबियत होनी चाहिए? Of course, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप अपनी मदर को बताएं, बड़ों को बताएं एंड देन गो टू द हॉस्पिटल। ये जो बिहेवियर आपने चेंज करना है कि लोगों ने डॉक्टर से ही मशवरा करना है और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही आपको ओवर द काउंटर मिलेगी। उमूमन होता अदीला, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो जो डॉक्टर की फीस है ना उससे बचने के लिए हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत जगहों पर ट्रीटमेंट फ्री भी है, लेकिन ये आपने हेल्थ सीकिंग बिहेवियर कहीं पे एस्टैब्लिश नहीं की इस तरह की चीज़ के लोग जाएं। अब प्राइमरी, अब जो हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं जहाँ फंक्शनल भी हैं वहाँ पर भी यूटिलाइजेशन 100% नहीं है, लोगों का बिहेवियर ही नहीं है। लोग कहते इतना टाइम वेस्ट होगा, जाएंगे। एंड सेकेंडली, जब कहीं पे लोग मिस डायग्नोस होते हैं और फिर हॉस्पिटल में उनके साथ कहीं बुरा सलूक होता है तो लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर कि ये जाएंगे काट पीट कर देगा, गलत कर देगा, खामखा मजीद हम बीमार होके नोजोकोमियल इन्फेक्शन के साथ हम घर आएंगे हॉस्पिटल से और तरह के इन्फेक्शन लग जाएंगे, वो ट्रस्ट भी डेवलप नहीं कर सके। ये सप्लाई और डिमांड दोनों साइड्स पे बहुत काम करने की जरूरत है। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए क्या करना है, क्या हुकूमत को ही सब कुछ करना है, वो ट्रस्ट कैसे डेवलप हो? मुझे लगता है कि पहले तो आप अपनी एक जो फैसिलिटीज हैं, जैसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन, एक नॉर्मल सी बात है कि एक आप सर्जरी के लिए गए हैं तो यहाँ पे लोग बहुत हाई लेवल एंटीबायोटिक्स देते हैं कि जी आपको हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है, डस्ट है, आपको फौरन इन्फेक्शन हो जाएगा। एक तो ये है कि जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेज हैं वो ठीक हों, डॉक्टर्स का बिहेवियर अच्छा हो, एक रैपो बिल्ड करें अपने पेशेंट के साथ, उनका एक कम्फर्ट जो है लेवल होना चाहिए। ये अगर आपकी फैसिलिटीज 100% सर्विसेज दे रही हों तो फिर ऐसा नहीं होगा। मेरे खुद साथ ये हुआ है, मेरी मदर 2-3 years तक मिसडायग्नोज होती रही। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, बट हम बड़े अरसे से, आपको पता है, फैमिली में डॉक्टर भी थे, घर के अंदर भी थे, इसके बावजूद वो मिसडायग्नोज होती रही। और अब हम कहते हैं कि ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि आप एक ट्यूमर मार्कर कराते और उनको कर देते। बड़े अरसे तक वो लिवर कार्सिनोमा की पेशेंट रही और वो डॉक्टर्स उनको जो है ना डिप्रेशन और एंजाइटी और इस तरह की चीज़ें डायग्नोज करते रहे। तो क्या होता है कि आपका ट्रस्ट, अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम मेरा कोई बीमार होगा तो मैं उसको मुल्क से बाहर ले जाऊंगी कि यहाँ पे ये ना हो जी कि मिसडायग्नोज। जो मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकता, जो नहीं ले जा सकते, मतलब दे हैव टू फेस। अब ये है कि आप अपनी फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करें, देन डिमांड साइड के ऊपर आप तमाम बाकी मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच हो कि आप एजुकेशन को भी इन्वॉल्व करें, आप बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन भी करें, आप अपने कम्युनिटी लीडर्स के साथ भी बात करें। ये बड़ी अच्छी बात आप कर रही हैं, क्योंकि हम अमूमन समझते हैं कि ये सेहत का शोबा है तो ये सेहत वालों की जिम्मेदारी। Exactly. ये तालीम का शोबा है, ये तालीम वालों की जिम्मेदारी है। ये टूरिज्म का शोबा है, सियाहत का शोबा है, तो ये सियाहत के महकमे और टूरिज्म के महकमे, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है, बाकी चीजें। हालांकि मेरा ख्याल है कि इन सबको अगर आपस में लिंक किया जाए तो वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ बिहेवियर्स को चेंज किया जा सकता है। आप अपने तारुफ के अंदर लिखती हैं कि आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। एक मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, क्या इस तरह की बिहेवियर्स को स्टडी करना उसका काम होता है? एग्जैक्टली, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है कि आप एक कम्युनिटी के अंदर, सपोज मीजल है तो लोग कहेंगे कि जी काली माता है, इन सबको एक कमरे में बंद कर दो। तो आपने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के तहत देखना है कि ये बिहेवियर ओवर द टाइम कैसे डिवेलप हुआ, इसके पीछे क्या क्या डिटर्मिनेंट्स थे। फिर आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हाँ इस तरीके से लोगों को हम चेंज कर सकते हैं उनका बिहेवियर, क्योंकि आप सडनली किसी कल्चर के अंदर जाके कहना ये तुम गलत कर रहे हो तो ये एथिकली भी ठीक नहीं है और कोई आपकी बात सुनेगा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि एंथ्रोपोलॉजिकल जो व्यू है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो, आप जाएं वहाँ रुकें उस कम्युनिटी में। और बहुत से जो मार्गरेट मीड और फ्रांस बोस जो बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो तो ये कहते हैं कि कुछ लंबा टाइम जैसे आप कोहोर्ट स्टडीज करते हैं, आप वहाँ पे जब स्टे करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि विद इन दिस कल्चर इज एवरीथिंग इज ओके, बट जब आपका प्रेवलेंस डिजीज का हाई होता है, डेथ्स बढ़ रही हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, मॉर्बिडिटी बढ़ रही है, मोर्टेलिटी बढ़ रही है, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं इस चीज़ को आप
चेंज होना चाहिए और फिर ग्रेजुअली आप उनका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट नॉट ओनली बिहेवियर, आपने फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम भी अपना स्ट्रेंथन करना है। अच्छा, जो हम बुनियादी तौर पे जो हिफाजती टीकों की बात करते हैं, आपने मीजल्स का जिक्र किया, खसरे का, तो उससे मुझे ख्याल आया कि खसरे की वबा का फैल जाना या इसी तरह से तशन्नुज या पोलियो के खतरे, ये सारी चीज़ें पूरा एक बुके है, पूरा पैकेज है, और मेरा ख्याल है कि हुकूमती सतह के ऊपर इसको मुफ्त लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा प्लान है और बहुत इफेक्टिवली वो काम कर भी रहा है। कुछ पॉकेट्स के अंदर इश्यूज हैं। इस ये वाला जो अप्रोच है, क्या अब हमारे पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, हर तरह का तबका जो है वो अपने नौजायदा बच्चे को इम्यूनाइजेशन का जो पूरा प्लान और प्रोग्राम है उसको फॉलो करते हैं, आप लोगों की स्टडी क्या कहती है कि पाकिस्तान के अंदर या अभी भी लोगों के दरवाजों को जाके पीटना पड़ता है कि तुम अपने बच्चे को टीके लगवा लो? गुड न्यूज़ ये है कि डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे, जो हमारा रीसेंट डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे है, उसमें CPR नीचे गया, फैमिली प्लानिंग का, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऊपर गया, डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल ऊपर गई, बट अच्छी न्यूज़ ये है कि इम्यूनाइजेशन के हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। अभी रिसेंटली हमें ओरिजिनल डायरेक्टर आए थे WHO के, तो जो हमारे WR है उन्होंने एक चीज़ अनाउंस की कि सिंध का तो 94% चला गया, तो आपका जो टारगेट था वो वही था 95-97, लेकिन आपने वो अचीव किया। इम्यूनाइजेशन एक सबसे बड़ा प्रिवेंशन का जो प्लान और प्रोजेक्ट हमारे पास है इस वक्त, जो प्रोग्राम है वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम फ्री प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, और दिस इज़ द बेसिक ना, जो आपने ये अगर कर दिया है तो आप बहुत सी डिजीज़ से बच सकते हैं। पोलियो के बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन थी, वो थी, वो भी ख़त्म हो गया। आपको पता है कि एनवायरमेंटल सैंपल एट टाइम्स KP का नीचे गया था, और अगेन दैट पॉलिटिकल कमिटमेंट वाजंट देयर, नाउ इट्स देयर, पॉलिटिकल कमिटमेंट है। आपने देखा होगा न्यूट्रिशन पे, पॉपुलेशन पे, इन सारे इश्यूज के ऊपर टास्क फोर्स बन गई है, कि ये रियलाइजेशन आ गई है कि इसमें हमें कोई काम करना है। इसी तरह तो इम्यूनाइजेशन के हवाले से आप समझती हैं कि पाकिस्तान इंप्रूव कर रहा है बिल्कुल इंप्रूव। बाकी हेल्थ इंडिकेटर्स हमारे अगर कुछ लेवल से नीचे गए भी है ना, इम्यूनाइजेशन हमारा इस दफा ऊपर गया। अदिला, आप जैसे एक्सपर्ट्स को मैंने अक्सर कहते सुना है कि जब हम बच्चों की सेहत की बात करते हैं, खासतौर पर पैदाइश से लेकर 5 साल तक का जो बच्चा है उसकी सेहत की अगर हम बात करते हैं, वो कहानी हम मुकम्मल कर ही नहीं सकते जब तक हम माँ की सेहत इंश्योर ना करें। ऐसा ही है। How does it link? Actually, अगर माँ जो है वो वीक है, जैसे छोटी सी एग्जाम्पल है, माँ एनेमिक है, माँ में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो बच्चे के अंदर तो आयरन की कमी है, एनीमिया तो बहुत मतलब कॉमन है ना हमारे यहाँ। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने स्टंटिंग चाइल्ड ख़त्म करना है ना, स्टंटिंग को ख़त्म करना है, तो आपने मदर को लेके चलना है। अब तो ये रिसर्च कहती है कि आप एडोलेसेंट गर्ल्स को लेके चले। अच्छा। उनकी सेहत ठीक हो गई जिन्होंने माएँ बनना है, फिर एंटीनेटल केयर प्रॉपर हो उसके अंदर। जैसे आपने टीवी पर बैठ देखा होगा, इस गवर्नमेंट का तो बड़ा एजेंडा रहा है कि आपको बार बार दिखाते हैं कि जो प्रेग्नेंट माँ है उसको खाना खिलाएं, उसकी सेहत का ख्याल रखें। हम कहते हैं जो गोश्त नहीं खा सकते वो 4 दालें मिला के खा लें कि प्रोटीन हो उसमें। एक प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो स्टंटिंग है, दूसरा जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। दोनों में क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ एक में नहीं होगी, दूसरे में कॉग्निटिव इफेक्ट उसके अंदर होगा कि वो उसकी मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो सकेगी। तो बेस्ट तरीका यही है कि फर्स्ट 1000 डेज पे फोकस किया जाए बच्चे के, एंड फर्स्ट 1000 डेज ये स्टार्ट होते हैं प्रेगनेंसी से। और अगर आपने प्रेग्नेंट औरत को सेहतमंद रखना है तो फिर आप एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर काम करें, इन स्कूल प्रोग्राम्स करें, आउट स्कूल जो बच्चे हैं उनको टारगेट करें, तो वहाँ से ही आप न्यूट्रिशन को लेके चलेंगे, तब आपके हेल्दी बच्चे पैदा होंगे। और स्टंटिंग, एक दफ़ा स्टंटेड चाइल्ड है तो उसका कोई इलाज नहीं है, आप सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टंटिंग होती क्या? स्टंटिंग ये है कि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी, डिफरेंट डेफिशिएंसीज होंगी, जिसकी वजह से आपकी एज के मुताबिक आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी हाइट नहीं ग्रो करेगी, आपका मेंटल ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, दिस इज स्टंट। और वो जो ग्रोथ रुकती है तो फिर जब आप एक एडल्ट बन जाते हैं तो वो छोटा रह गया तो वो रहेगी, वो स्टंटिंग कभी खत्म नहीं होगी। कोई आदाद शुमार है आपके पास कितने? 44% अंडर 5 चिल्ड्रन जो है हमारे वो स्टंटेड है। 44% का तो मतलब ये हुआ कि इसका जो मैं समझ रहा हूँ कि इसका देहात में रहने या शहरों में रहने या अमीर होने या गरीब होने से exactly, कोई ताल्लुक नहीं। इसके जो फैक्टर्स हैं, कहते हैं पॉवर्टी है, फूड इनसिक्योरिटी है, ठीक है, एक और भी है इशू कि जी आपकी सैनिटेशन, आपकी हाइजीन जो है वो भी बड़ा रोल प्ले करती है। okay. अब इस सब के साथ एविडेंस ये भी कहता है कि जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, वहाँ पे अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम है। राइट डाइट आप नहीं दे रहे बच्चे को, जंक फूड दे रहे हैं, ऐसा बिहेवियर का भी बहुत इशू है। आपको पता है कि पढ़े लिखे और अमीर घरानों में भी स्टंटेड बच्चे होते हैं।
हालांकि अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, बट जो मेजर पार्ट है वो यही है, पॉवर्टी है और फूड इनसिक्योरिटी। तो बुनियादी तौर पे अब हमने एक ब्रेक पे जाना है अदीला, लेकिन अभी जस्ट टू समिट अप के पैदाइश से नहीं बल्कि हमल के जो 9 माह है उनको भी आप उन 1000 दिनों में काउंट करते हैं। तो जो माँ बनने वाली है औरत उसकी डाइट से शुरू करेंगे और बच्चे के 1000 दिन इंपॉर्टेंट है, उसकी न्यूट्रिशन माँ की भी और बच्चे की न्यूट्रिशन, और इसका अमीर घराने होने या गरीब घराने होने से कोई ताल्लुक नहीं है। उस बच्चे को पहले 1000 दिन में जितनी अच्छी न्यूट्रिशियस गिज़ा मिलेगी वो स्टंटेड होने से बचेगा। और स्टंटिंग सिर्फ कद का बड़ा छोटा होना नहीं है, वो उसकी पूरी मेंटल ग्रोथ और मेंटल कैपेबिलिटीज पे भी इफेक्ट होता है। और बहुत ही हैरान कुन बल्कि डरा देने वाले आदाद शुमार हैं कि पाकिस्तान में 44% बच्चे, और मैं कहती हूँ कि 165 मिलियन ओवर द वर्ल्ड अंडर 5 का वो रेट है, उसको अगर ग्लोबल रेट्स को अगर आप कंपेयर करें तो, और ये 14 कंट्रीज के अंदर ये बच्चे हैं 165 मिलियन, सिर्फ जस्ट 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और अगर सिर्फ पाकिस्तान का 44% देखें तो ये ग्लोबल रेट से कहीं ज्यादा है, कहीं अगर आप उसका एवरेज निकालें तो। ग्रेट, अदीला खान हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के इस दिलचस्प और थोड़े सारा मुख्तलिफ से और संजीदा से मौजू पे बात जारी रहेगी, रही मेरे साथ। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट अदीला खान आज हमारे साथ मौजूद हैं, और हम आज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आम आवाम के सेहत के हवाले से रवैये क्या हैं, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और छोटे सा रवैया बदलने से आप अपने और अपने बच्चों की सेहत में कितना बड़ा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले अपने फ्लो में आप बात कर रही थी, मैंने उस वक्त टोकना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आपने बात की थी हाइजीन और सफाई को भी स्टंटिंग से लिंक, वो मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई कि स्टंटिंग तो यूजुअली हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो हाइजीन और सफाई सुथराई से उसका कैसे लिंक? जैसे न्यूट्रिशन के लिए अब प्लान्स बनना शुरू हो गए हैं और डिफरेंट डोनर कम्युनिटी बैठ गई है साथ कि हमें एक कमीशन बनाते हैं और इसके ऊपर कोई इंटरवेंशन मेन्यू डिसाइड करते हैं। तो जब हम लिटरेचर सर्च कर रहे थे तो बांग्लादेश की एक स्टडी सामने आई जिसमें उन्होंने सेफ लैटरिंस का एक प्रोग्राम शुरू किया, ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम था। उसमें जब उन्होंने अपने इवेलुएशन की तो उससे पता चला कि बहुत सारी चीज़ें डायरिया और ये चीज़ें तो रिड्यूस हुई हैं लेकिन बच्चों की ग्रोथ बेहतर हो गई है, उस इलाके के लोगों की हाइट बढ़ गई है। अच्छा, तो उन्होंने फिर सेफ लैटरिंस बनाने से जो है हाइट बेहतर हुई है, तो उसका फिर एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है कि अगर आप हाइजीन का ख्याल रखेंगे, इवन आपके हैंड वॉशिंग और इस तरह की जो इंटरवेंशन है वो भी अगर आप कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उससे भी स्टंटिंग कम होगी। बिकॉज एक जो मेन जो रीज़न होता है वो ये भी है कि एक तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट और आप प्रोटीन डिफिशेंसी और डिफरेंट डिफिशेंसीज की बात करते हैं स्टंटिंग में, दूसरा आप ये कहते हैं कि जब रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं किसी बच्चे को तो वो भी स्टंटिंग की एक फॉर्म है, क्योंकि अगर आपकी कंप्रोमाइज्ड हेल्थ है तो आपकी ग्रोथ कभी भी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल, तो आप इन्फेक्शंस को इसी तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि आप अपनी हाइजीन इंप्रूव करें। अदीला, इस वक्त क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के पीटीवी होम पे कोने कोने के अंदर जा रहा है और पीटीवी ग्लोबल पे खैर बैन अल-अक़वामी नाज़रीन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो इस वक्त माएँ बहनें हैं उनको बुनियादी थोड़ी सी एक डाइट प्लान तो नहीं कहूँगा लेकिन 5 साल तक के बच्चे को बहुत ज़्यादा खर्चा किए बगैर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप ज़रा बताना चाहेंगे जो उसकी डाइट का डेली की या वीकली डाइट का उस बच्चे का हिस्सा होना हो सकता है। चाहिए, ज़ाहिर है जब तक वो माँ का दूध पी रहा है तब तक तो हम ये कहते हैं कि उसको माँ के दूध के अलावा कोई और ग़िज़ा नहीं देनी, इसलिए कि कुदरत उसके अंदर ही सब कुछ कहता है। जी, 6 मंथ एक्सक्लूसिव जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद जब हम 5 साल तक के बच्चे की बात करते हैं क्या क्या चीज़ें खास तौर पे खिलानी चाहिए? एक तो ये है कि अगेन मैं ये कहूँगी कि हर बच्चे का अपना एक फूड टॉलरेंस का एक होता है कि हम कहते हैं जी कि 1 साल की उम्र तक आप प्रोटीन ना दें, अंडा ना दें, उसको नट्स ना दें, इस तरह की चीज़ों को अपने अवॉइड करने। फ्रूट सबसे बेहतर चीज़ है, अब जो सीज़न का फ्रूट है वो आप उसको दें। मैं तो कहती हूँ गाजर इतनी सस्ती है, अब बच्चे को उसका जूस दे दें, वो काट के दे दें।
फिर आपने फार्मूला मिल्स एग्जैक्टली आपने फार्मूला मिल्स और इन चीज़ों के ऊपर आप जाते हैं, आप फार्मूला फूड्स के ऊपर जाते हैं, आप अपना देसी आटे की रोटी अच्छी सी बना के बच्चे को खिलाएं, प्रोटीन का बच्चे का ख्याल रखें, कि अगेन हम कहते हैं कि अगर गोश्त बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते आप बच्चे को दालें खिलाएं, सब्जियां खिलाएं बच्चों को, और बच्चों को तो रेड मीट भी, जैसे घरों के अंदर मैंने देखा एक ट्रेंड बन गया है कि जी हम तो वाइट मीट खाते हैं, हम फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, बच्चे को तो रेड मीट चाहिए, आप उसको दें, उसकी तो एज है ये खाने के लिए। और फिर दूसरा एक फिज़िकल एक्टिविटी, बच्चों को हर वक्त जो है वो घर के अंदर बिठाना और टैब्स पकड़ा के रखना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मदरहुड बहुत रोल प्ले कर सकती है, कि आपने बच्चे को ज़रा बाहर निकालना है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, उससे आप दो चीज़ें नोट करते हैं, कुछ बच्चे बाहर खेलने जाते हैं अगर उनमें किसी तरह की डेफिशेंसी है तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, देन यू हैव टू सी द डॉक्टर, आप जाएं डॉक्टर को बताएं कि ये बच्चा इस तरह से एक्टिवली जो है वो खेल नहीं रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अदीला मैंने नोट किया कि बच्चे ये भी कहते हैं नहीं मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, नहीं मामा नहीं खाना, नहीं अम्मी नहीं खाना, और उसके लिए वो जब एक्टिविटी करके आएगा तो उसको भूख लगेगी, खुद मांगेगा, भूख लगेगी। सेकंडली आप ये कहते हैं ना कि बहुत सारे मल्टीविटामिन दें, मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन का भी एविडेंस वो नहीं है, हम क्लियरली नहीं कह सकते मल्टीविटामिन देंगे सारी डेफिशिएंसीज खत्म हो जाएंगी, बच्चों को फ्रूट खिलाएं जिससे उनकी भूख बढ़े, बजाय इसके कि दो दो तीन तीन चम्मच वो डेली मल्टीविटामिन पिए और फिर उनको उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। मल्टीविटामिन भी देने में कोई हर्ज नहीं है, ऑफ एंड ऑन आप दे सकते हैं, लेकिन आप फ्रूट्स दें बच्चे को, हेल्दी फूड दें, और हेल्दी फूड का कॉन्सेप्ट घरों के अंदर बड़ा क्लियर होता है, और मैं तो कहती हूँ कि आप बिल्कुल अपने देसी फूड खिलाएं बच्चे को, कोई जरूरत नहीं है फार्मूला इतना महंगा जो है वो फूड लेने के, और सीरियल हमें तो माशाल्लाह अनाज की भी इतनी वैरायटियां हैं हमारे पास, मकई है, गंदम है, बिल्कुल ऐसा ही है, जो है हर चीज है, बाजरे की रोटी, बेसन की रोटी, मतलब इतनी मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो सकती कि रोज एक ही तरह की रोटी घर में ना भी बनाएं, बड़े भी मेरा ख्याल है बोर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। मुझे याद है हमारे बचपन में तो नाश्ते के अंदर हफ्ते में एक का दफा, खासतौर पे सर्दियों में तो दो दफा मकई की रोटी मक्खन के साथ एक बाकायदा राइज था। एग्जैक्टली। तो अपनी न्यूट्रिशन को भी थोड़ा सा जंक फूड एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब जंक फूड खिलाएंगे, ओबेसिटी बच्चों का सबसे बड़ा इशू है। आपको पता है कि अगर बच्चे आपके एक हद से ज्यादा, वो कहते हैं ना बच्चे पतले ही अच्छे, आपने इतना मोटा बच्चा कर दिया और बड़े आप खुश हो रहे हैं मेरा बच्चा बड़ा सेहतमंद है, वो सेहतमंद नहीं है। अच्छा, आप जंक फूड खिलाएंगे और बच्चा जो है वो देखने में बहुत मोटा लग रहा है तो वो सेहतमंद तो नहीं है वो बच्चा। वेट आपका फिर अगेन जो न्यूट्रिशन जो आपने स्टंटिंग के बारे में आपने सारा वो पढ़ना अगर शुरू करना है या माओं को अगर थोड़ा नॉलेज चाहिए तो वो यही है कि आपने वेट अगेंस्ट एज आपने उसको ऑब्जर्व करना है। ये नहीं कि बच्चा बहुत मोटा हो रहा है तो आप कह रहे नहीं बच्चा बहुत हेल्दी है, बच्चा बहुत हेल्दी है, एक सर्टेन एज तक तो बच्चे चली चले। मोटापा होता है जो बाद में उतरना मुश्किल होता है, चाइल्डहुड मोटापा तो आपका उतरता नहीं है, अगर आप 10 ईयर्स तक 8 ईयर्स तक आप इसी तरह मोटे हैं और बहुत मोटे हैं कि आप बाकी बच्चों से डिफरेंट हैं तो आप कभी भी ये मोटापा उतरेगा नहीं, ये फैट्स कभी भी नहीं उतरेंगे आपके। और बहुत ज्यादा डाइट में मुझे लगता है बहुत घी और वो चीजें खिला देने से भी बच्चे की चिकनाई, एक बैलेंस डाइट बच्चे को आपने देनी है कि आपने हर टाइम में उसको अगर देसी घी से चौपड़ चौपड़ के रोटियां खिलानी है तो इतना बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, जब फैट्स उसके ऊपर वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो ओबेसिटी की तरफ चला जाएगा। दैट्स अगेन बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदीला, क्योंकि आपसे मुख्तलिफ एंथ्रोपोलॉजी साइड के ऊपर बहुत से हवालों से बात हो रही है, एक आम मिथ कह लें या एक कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन कह लें ये भी है कि हमल के दौरान अगर माँ को, बनने वाली माँ को अगर बहुत ज्यादा खाना पीना दिया जाएगा तो बच्चे का वजन ज्यादा हो जाएगा और जचकी का अमल जो है वो दुश्वार हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि प्रेगनेंसी के अंदर माएं कोई बहुत ज्यादा शायद खा नहीं सकती हैं और बैलेंस डाइट दिल भी नहीं कर रहा होता, दिल भी नहीं चाह रहा था, और बैलेंस डाइट आपको लेनी होती है। अगर आप ढेर सारा वो चिकनाई और वो शुगर और इस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर दें, अगेन वही अप्लाई होता है फार्मूला, फ्रूट्स खाएं, आप प्रोटीन्स लें, आप हेल्दी प्रोटीन्स लें, आप बहुत ज़्यादा चिकनाई और वो चीज़ें खाएंगे तो ऐसा, लेकिन बच्चा हेल्दी ही पैदा होना चाहिए। तो सीख ये कोई वो नहीं है कि आप माँ को ज़्यादा खिलाएंगे तो बच्चा बहुत मोटा हो जाएगा, एक पैदा होने वाले बच्चे की एक गुंजाइश है खास, वो उतना ही मोटा होगा जितनी अल्लाह ताला ने उसके लिए जो है वो जगह बनाई है, उससे ज़्यादा तो उसने कहीं नहीं जाना है। तो बैलेंस डाइट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा एक ही फूड खा रहे हैं, मुसलसल खा रहे हैं तो डेफिशेंसीज फिर भी माँ को भी हो सकती हैं, बच्चे को भी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से एंटीनेटल केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गायनाकोलॉजी की और सर्विस प्रोवाइडर की जिसके पास वो जा रही है, दे गिव यू वो फूड चार्ट पूरा बैलेंस डाइट के साथ और उसको फॉलो करना चाहिए। तो एंटीनेटल केयर को प्रमोट करना है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 3 विजिट तो आपके वैसे ही बनते हैं, आपने हर 3 महीने के बाद जाना है और कॉम्प्लिकेशन की सूरत में रेगुलर जाना है। क्या हमारा निसाब, हमारा करिकुलम जो है उस पर अक्सर बहुत ज्यादा बात होती है कि जी इस तरह की चीजों को करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए ताकि
हम बात करते हैं कि यंग बच्चियां जिन्हों जो फ्यूचर मदर्स हैं, मैं तो बात करता हूँ यंग बच्चे जो फ्यूचर फादर्स हैं, उनको भी ये चीजें बतानी पढ़ानी बहुत जरूरी है। क्या हमारे निसाब में, हमारे करिकुलम में ये चीजें अब शामिल होना शुरू हो गई हैं? आप जैसे एक्सपर्ट्स उससे खुश हैं, या आपके ख्याल में और डायरेक्ट वाज़े अंदाज में बच्चों को जिनकी उम्र 13-14 बरस से लेके 17-18 साल तक के जो हमारे नौजवान हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में करिकुलम में अभी मजीद डालने की ज़रूरत है, आप क्या कहती हैं? करिकुलम में जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो मुझे लगता है कि वो टीचिंग स्किल उस तरह की नहीं है, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तब भी वो गज़ाइयत का एक चैप्टर होता ज़रूर था, बट उसका अच्छा तरीका ये है कि अगर आप एविडेंस देखें, आप देखें कि रीजन में कैसी इंटरवेंशन हुई है, वेस्ट कैसी इंटरवेंशन कर रहा है, क्योंकि इन स्कूल कोई भी चीज़ आपको डेवलप करना बड़ी आसान होती है। ग्रुप आपका बच्चों को मिला होता है, आपको सुबह से दोपहर तक बच्चे आपके पास हैं, आप उनके ऊपर ये सारा कुछ, क्योंकि घरों में जाके शायद बच्चों को कम्युनिटी में ढूंढना मुश्किल होता है। अब गज़ाइयत का चैप्टर अगर आया है आपके उसके अंदर, तो आपको चाहिए प्रैक्टिकली आप बच्चों को दिखाएं कि आज हम एक हेल्दी डे सेलिब्रेट करेंगे, आज हम फ्रूट्स खाएंगे दिन में, इस तरह की इंटरवेंशंस करें जिससे बच्चों का बिहेवियर चेंज हो। वो जो चैप्टर है वो सिर्फ अगर एग्जाम पास करने के लिए आपने करना है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिकली आप देखें कि बच्चों का ईटिंग बिहेवियर जो है वो कैसे चेंज हुआ, उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसे चेंज हुई हैं। जिस तरह बहुत से स्कूल प्रमोट करते हैं कि उनको एक अंडा आप दे दें, एक दूध दे दें, मैं तो ये कहती हूँ कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल के अंदर ये हेल्दी जो है एक्टिविटीज़ ये करवाएं, और ये स्कूल अपने सिस्टम के अंदर डाल लीजिए कि हमने लंच टाइम पे या स्नैक्स टाइम के अंदर बच्चों को जो घर से वो जंक ला रहे हैं वो अलाउड नहीं है, और हम स्कूल से आपको इनको ये एक एग देंगे, एक मिल्क का ग्लास देंगे, ये इस तरह की चीज़ें आप स्कूल के अंदर कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा रादर कि आप करिकुला के अंदर बहुत डिटेल्स लिख दें कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होता है और आयोडीन, वो इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आपने जो बात की कि मर्दों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, आप फैमिली प्लानिंग में देखें, आप एंटीनेटल केयर में देखें, आप सेफ डिलीवरीज के अंदर देखें, आप पोस्टपार्टम के अंदर देखें, मेल बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे पैट्रियार्की के अंदर डिसीजन मेकर वही है। अगर वो कहेगा कि प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक जा रही है, तुम्हें क्या ज़रूरत है डॉक्टर को दिखाने की, दाई आएगी घर में डिलीवर करवा देगी, तो एक औरत डिसीजन नहीं ले सकती। तो मर्दों को सेंसिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बच्चे और माँ की सेहत ठीक चाहते हैं तो, क्योंकि उसी ने डिसीजन लेना है और उसी ने कहना है, और फिर ख्याल भी तो उसने रखना है। बहुत कम जगह होती हैं जहाँ पे आप इनलॉज के साथ, जब अपनी फैमिली आपकी करीब होती है, मोस्टली आप अपने हस्बैंड के साथ होते हैं। यानी वो जो एक जो आम इस्तलाहन हम इस्तेमाल करते हैं, ये मुस्तकबिल की माँ जो है, हमें मुस्तकबिल की माँ, तो मेरा ख्याल है कि अब उसमें मुस्तकबिल का बाप भी शामिल और होना इसकी बहुत जरूरी एक जो है कि अगर आप उसको एज अ हस्बैंड को इंटरवेंशन करेंगे ना कि बीइंग अ हस्बैंड तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर उसकी मर्दानगी जो है वो हमारे रूरल एरिया चैलेंज हो जाएगी। तो आपको फादरहुड कंपेन स्टार्ट करनी चाहिए कि बीइंग अ फादर तुम्हारा हेल्दी बच्चा होना चाहिए, जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस में भी करते हैं कि मेल इन्वॉल्वमेंट इन फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस थ्रू मैन एंगेज अप्रोच। तो जब तक आप मर्दों को एज अ फादर नहीं लेके, क्योंकि अपनी बेटी और बेटे के लिए कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी सेहत अच्छी ना हो, और फादर का एक अपना वो रोल है, तो जब तक आप कहेंगे ना कि बीवी का ख्याल रखो तो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा बहुत सी जगहों पर, लेकिन आप कहेंगे कि आप अपनी बीवी का ख्याल रखें क्योंकि आपको एक सेहतमंद बच्चा चाहिए, तो वो अप्रोच ज्यादा काम करती है, और वो हमने देखा भी है रीजन के अंदर कि वो प्रैक्टिस ज्यादा जो है वो इफेक्ट। अदीला खान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ आया आपसे बात करके, और मेरा ख्याल है कि आज के सेशन में हम तेज गए, लेकिन हमने बहुत से बातें कवर की हैं। इन बातों को आपने सुना, अपने दोस्तों तक, बहन भाइयों तक, कजन्स तक, महल्ले में लोगों तक, दफ्तर में लोगों तक, जिनके साथ भी आप बैठे, उनको अपने और अपने आने वाले नस्ल की सेहतमंद मेंटल और फिजिकल हेल्थ के हवाले से इन रवैयों पे, इन बिहेवियर्स पे ज़रूर बात करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी ने दी इजाज़त, तो फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।